हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे तो आपको जैसे पता है मेरी कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है जिसमें टॉप ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम्स के लिए सारे गवर्नमेंट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और भी बहुत क्वेश्चन इंक्लूड कर रखे हैं जो आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बनेंगे ही बनेंगे ठीक है तो अभी तक की चार क्लासेस आ गई है आज इसका पार्ट फाइव है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं So, the first question is What pointing device in computer function by detecting two dimensional motion relative to its surface? सपोर्टिंग सरफेस मतलब ये कह रहे हैं कि कंप्यूटर में कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि इसकी सहायता सेहत के सापेक्ष दो आयामी गति का पता लगाकर कार्य करता है मतलब टू डायमेंशनल मोशन का डिटेक्ट कर, कर वो क्या कार्य करता है तो कौन सा है वो वो है माउस है और माउस अपना एक इनपुट डिवाइस है ठीक है ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है माउस क्या है इनपुट डिवाइस है और इसको किसने इन्वेंट किया था मैंने अभी दो तीन पह... दिन की पहली क्लास में बता रहा किसने किया डगलस एंगले बर्ड ने किया था सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज लाइट पेन लाइट पेन क्या है तो ये पूछना चाह रहा है कि लाइट पेन क्या है आउटपुट डिवाइस है इनपुट डिवाइस है वायरलेस डिवाइस है क्या है तो लाइट पेन एक हमारा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है तो क्या है हमारा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है ये ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द प्रोग्राम इज यूज बाय द यूजर्स और द क्रिएटर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कान बी मॉडिफाइड इन कंप्यूटर मतलब ये पूछ रहे हैं कि कम, प्रोग्राम को यूज़र या क्रिएटर द्वारा इस्तेमाल करने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम कंप्यूटर में संशोधित नहीं किया जा सकता मतलब एक बार अगर यूज़र ने उसको इस्तेमाल कर लिया तो वो दोबारा मॉडिफ़ाई नहीं हो सकता तो कौन सा है एक ऐसा रोम रीड ओनली मेमोरी रोम एक ऐसा है ऐसा प्रोग्राम है जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते ठीक है इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते अगर एक बार यूज़ कर लिया जाए इसीलिए कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज़ आई ठीक है पी रोम आया फिर इसके बाद इसका एडवांस वर्जन क्या आया पी रोम आया ठीक है अब पी रोम एक ऐसा आया जिसको हम एक बार मॉडिफाई कर सकते थे थी? ठीक फिर पी रोम के और सारे एडवांस वर्जन आए ई पी रोम आया ई पी रोम आया उनको हम मल्टीपल टाइम मॉडिफाई कर सकते हैं ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज़ ऑड वन आउट इसमें से विषम चूज़ करना है जो सबसे अलग है ठीक है तो देखिए क्या है साइबर स्पेस इंटरनेट है इंटरनेट ये भी इंटरनेट है डब्ल्यू 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 ये तो वेबसाइट होती है ठीक है वेबसाइट के आगे लगाते हैं ना जरा डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट गूगल डॉट कॉम ठीक तो इसमें से सबसे अलग क्या है एस टी एम एल क्यों क्योंकि एस टी एम एल एक कोड है अपना ठीक है कोड है जो कि वेब पेजेस बनाने में काम आता है और उसके कंटेंट लिखने में काम आता है ठीक है तो एस टी एम एल क्या है अपना एक कोड है तो ये विषम हो गया ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट ड सी पी यू स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर साइंस मतलब कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस में सी पी यू का क्या अर्थ है सीपी यू की फुल फॉर्म क्या है तो सीपी यू की फुल फॉर्म क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है क्या है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ मॉडर्न डे प्रिंटर्स आर मेजर्ड इन आधुनिक समय में प्रिंटर की गति किस में नापी जाती है तो किस में नापी जाती है पेजेस पर मिनट में मतलब पीपीएम में ठीक है ये तो मॉडर्न टाइम में नापी जाती है पहले कैस में नापी जाती थी करेक्टर पर मिनट में नापी जाती थी सीपीएम में नापी जाती थी ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस क्या है पूछ रहा है ठीक है इसमें से कौन सा है मतलब पॉइंटिंग डिवाइस ठीक पहले मैं पॉइंटिंग डिवाइस होता क्या है पॉइंटिंग डिवाइस एक ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस है जो यूजर को कंप्यूटर पे इनपुट डालने के लिए अलाउ करता है अनुमति देता है तो इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है जॉयस्टिक है कौन सा है जॉयस्टिक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट स्टैंड फॉर रिलेटेड टू स्टोरेज इन कंप्यूटर कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का अर्थ क्या है मतलब इसे पता गया है कि रैम हमारा किससे रिलेटेड है स्टोरेज से तो रैम की फुल फॉर्म क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी फॉलिविंग इज नॉट एन अर्ली कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है तो इनमें से कौन सा नहीं है इनैक कौन सा नहीं है इनैक ठीक और ये फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है जो कि 1946 में अनाउंस हुआ था ठीक है अनाउंस हुआ था ठीक बाकी में आ जाते हैं ठीक है बाकी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार एटलस एटलस क्या है वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है जो कि 1962 से 1971 तक यूज़ हुआ था ठीक फिर लियो लियो क्या है लियोन्स इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस इसकी फुल फॉर्म है लियोन्स इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस ये फर्स्ट कंप्यूटर है जो कि कॉमर्शियल बिजनेस एप्लीकेशन में यूज किया गया था ठीक सो नेक्स्ट है लिंक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट कंप्यूटर इसकी फुल फॉर्म है यह पहला मिनी कंप्यूटर है फर्स्ट मिनी कंप्यूटर है ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न बाय अ प्रोग्रामर अकॉर्डिंग टू अ गिवन सेट ऑफ रूल्स और कन्वेंशन इज कॉल्ड एक प्रोग्रामर द्वारा दिए गए नियमों या परंपराओं के अनुसार लिखे गए निर्देशों की एक श्रृंखला को क्या कहते हैं अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटर्न बाय अ प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू अ गिवन सेट ऑफ रूल्स ठीक उसको क्या बोलते हैं सिंटेक्स क्या बोलते हैं सिंटेक्स ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर व्हाट इज़ उबंतु कंप्यूटर की दुनिया में उबंतु क्या है अगर जिसने कंप्यूटर का यूज़ किया होगा या जो कंप्यूटर से फैमिलियर है उन्होंने ये वर्ड सुना ही होगा उनके लिए वर्ड काफ़ी फैमिलियर होगा उबंतु क्या है तो उबंतु अपना एक ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है ओपन सोर्स लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट जी एस एम स्टैंड फॉर जी एस एम की फुल फॉर्म पूछ रखा है कंप्यूटर लैंग्वेज में तो जी एस एम की फुल फॉर्म क्या है सब ने सुना ही होगा जिसने सिम यूज करेंगे जी एस एम वगैरह के सिम होते हैं ना तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन देखो मोबाइल से ही रिलेटेड है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी बाइट्स आर दियर इन अ टेरा बाइट एक टेरा बाइट में कितने बाइट होते हैं ठीक पहले मैं देखो लिस्ट दे देती हूँ आपको एक बार लिस्ट देख लो एक के बी में हजार बाइट होते हैं एक एमबी में हजार के बी होते हैं एक जी बी में हजार एम बी होते हैं एक टीबी में हजार जी बी होते हैं तो इस हिसाब से एक टीबी में वन ट्रिलियन बाइट होते हैं ठीक है so the next question is, डैश इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क और अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट एक्सटेंड ओवर अ लार्ज जोग्राफिकल डिस्टेंस एक दूर संचार नेटवर्क या कंप्यूटर नेटवर्क जो एक बड़ी भौगोलिक दूरी तक फैला हुआ है देखो क्या क्या होता है एक तो लैन होता है मैन होता है और वैन होता है ठीक है वाइड एरिया जो नेटवर्क है वैन है जो वाइड एरिया नेटवर्क वो बहुत दूर तक एक भौगोलिक दूरी तक फैला रहता है कंप्यूटर नेटवर्क में ठीक है तो कौन सा वाइड एरिया नेटवर्क सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा एक टैक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा है आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की विंडो होती थी है ना अगर आपने बचपन में किया होगा कंप्यूटर तो ब्लैक कलर की विंडो होती थी एम एस डॉस की होती थी उसमें हम काम करते थे लिखते थे, थे उसमें ना हम कुछ कुछ लिखते थे अगर सपोज करो ऐसे कॉपी लिख रहे हैं

एल यू इज अ पार्ट ऑफ अंप्यूटर ए एल यू कंप्यूटर का एक भाग है किसका भाग है ए एल यू क्या है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिटर का पार्ट है ठीक है इसमें क्या क्या होता है सारे मैथमेटिक एक्सप्रेशन वगैरह इसमें हम यूज करते हैं ना ठीक है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में क्वेश्चन इज फॉर प्रिंटिंग एम आई सी आर करेक्टर द इंक यूज कंटेन विच ऑफ द फॉलोविंग एम आई सी आर अक्सरों को प्रिंट करने के लिए उपयोग की जाने वाली सियाई में निम्नलिखित में से कौन सी होती है मतलब अब देखो इंक पूछ लिया पहले एम आई सी आर की फुल फॉर्म पूछे थे पूछते थे कौन सी टेक्नोलॉजी है अब उसमें इंक पूछ दी कौन सी इंक यूज़ करते हैं पहले मैं एम आई सी आर बता देती हूँ क्या है इसकी फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन ये एक करेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है ठीक है जो बैंकिंग वगैरह में मोस्टली यूज़ की जाती है ठीक है आजकल हमारे जो ऑफलाइन एग्जाम चलते हैं उसमें भी होती है एम आई सी आर की ठीक तो uh, कौन सी इंक यूज की जाती है इसमें की जाती है आयरन ऑक्साइड ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसी इज अ कॉमन एब्रीविएशन ऑफ आई सी टी की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अगर हम कंप्यूटर के टर्म में बात करें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ठीक So the next question is the STTP you type at the beginning of any address stand for अगर आप आपको पता है आप पहले एस टी टी पी टाइप करते हैं फिर डॉट आता है फिर ऐसे स्लैश आता है फिर वेबसाइट का नाम आता है आता ही नहीं आता है याद आया तो वो एस टी टी पी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। क्या है तो क्या है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये एस टी टी पी का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है याद कर लेना ऐसे एब्रीविएशन्स तो बनते ही बनते हैं एग्जाम्स में वैसे मैं एब्रीविएशन की एक पूरी लिस्ट लेके आने वाली हूँ जल्दी ही कंप्यूटर के सारे एब्रीविएशन्स की बने रहना आप चैनल से ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट लून इज अ सर्च इंजन प्रोजेक्ट बाय डैश फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूलर एंड रिमोट एरियाज यूजिंग हाई एल्टीट्यूड हीलियम फिल्ड बैलून्स एक प्रोजेक्ट लून कह रहे डैश uh, द्वारा उच्च ऊंचाई वाले हीलियम भरे गुब्बारों का उपयोग करके ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट प्रवेश प्रदान करने के लिए एक खोज इंजन परियोजना थी है मतलब ठीक है तो ये जो प्रोजेक्ट लून है कह रहे हैं ये दूर दराज के लिए मतलब जितने भी ग्रामीण एरियाज हैं रिमोट एरियाज हैं उन लोग को इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सके तो ये किसने शुरू किया था ये शुरू किया था गूगल ने और इसका एम क्या था फोर स्पीड का नेटवर्क प्रोवाइड कराना था ठीक गूगल ने यह रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट लून को ठीक लेकिन फिर जुलाई 2018 हजार ने किसी दूसरी कंपनी ने इसको ओवरटेक कर लिया था ठीक लेकिन पहले किसने शुरू किया ये गूगल ने ही शुरू फोर जी स्पीड लाने के लिए शुरू किया था गांव में so संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटाबेस के रूप में जाना जाता है किस डेटाबेस के रूप में जाना जाता है तो किसके रूप में जाना जाता है रजिस्ट्री तो रजिस्ट्री एक डेटाबेस है जो कि स्टोरिंग कॉन्फिग्रेशन इंफॉर्मेशन जो कि सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन्वेंटेड द डी प्रिंटर थ्री प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था तो किसने किया था थ्री प्रिंटर का आविष्कार? चक हल ने किया था किसने किया था चक हल जी ने किया था ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉमनली यूज एब्रीवियेशन एस ई ओ इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर एस ई ओ की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में तो क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ठीक सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाइलर इज कंपाइलर क्या है तो कंपाइलर हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में बदलने में हेल्प करता है तो क्या है हमारा एक कहा मैंने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है कंपाइलर ठीक ये यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन थे ठीक है अब नए नए ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स में बनते रहेंगे ऐसे क्वेश्चन लाऊंगी मैं और टॉपिक वाइज लेकर आऊंगी तो आप मेरे चैनल से बने रहिएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।